हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु राठौड़ और आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं हुंडई i10 2009 मॉडल। स्पोर्ट्स मॉडल देख रहे हो आप ये। इससे नीचे भी कुछ वेरिएंट आते थे, मैग्ना, एरा, डिलाइट, और स्पोर्ट्स से ऊपर भी एक वेरिएंट आता था एस्टा। 2007 में लॉन्च हुई थी, 2009 स्पोर्ट्स मॉडल आप देख रहे हैं ये। और इसके बाद ग्रैंड i10 और नियोस आ गई थी। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो देखी होगी हमारी अपाची वाली, तो उन्हीं की ये गाड़ी है। तो इसका एक बार आपको वॉक अराउंड दे देते हैं पूरा। तो अगर हम बात करें इसके लुक्स की, तो लुक्स पे काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, उस टाइम के हिसाब से भी काफ़ी अच्छी दिखती है अभी भी गाड़ी। और इसके कंपटीशन में एक ही गाड़ी आती थी उस टाइम, स्विफ्ट। तो स्विफ्ट तो आपको पता ही है कि कितनी ज़्यादा बिकती है, पर इसने भी कम कंपटीशन नहीं दिया उसको, काफ़ी अच्छी ज़्यादा यूनिट्स बिकी हैं इसकी। दिखाते हैं आपको कि कैसा डिज़ाइन है। तो भाइयों कुछ ऐसी दिखती है ये फ्रंट से। हुंडई का लोगो है, सिल्वर क्रोम के साथ आता है ये, और नीचे एक छोटी सी ये ग्रिल भी है जो ब्लैक है, और ये हेडलाइट हेलोजन। थोड़ा सा भाई इसमें टाइम के साथ साथ थोड़ा धुंधलापन आ जाता है। और ये नीचे की बात करें अगर इसके, तो ये पूरी ब्लैक ग्रिल है जिस पर नंबर प्लेट भी लगी है। फॉग लैंप इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, वो एस्टा में आते हैं, इसमें आप लगवा सकते हो आफ्टर मार्केट। और ये ब्लैक पट्टी है जिससे स्क्रैच से बच जाती है थोड़ा गाड़ी। और ये आप थोड़ा बोनेट का कलर देख रहे होंगे, ये थोड़ा फेड हो गया है टाइम के साथ साथ, क्योंकि 10-11 साल पुरानी गाड़ी हो गई है तो फेड हो गया थोड़ा कलर। और ये कापा की बेजिंग है इसमें। और ये इंडिकेटर, ये जो साइड इंडिकेटर है ये साइड मिरर पे नहीं है, ये फेंडर पे ही है इसकी प्लेसमेंट। और ये टायर की बात करें, टायर साइज़ की 155/80-13 का टायर आता है 13 इंच के व्हील के साथ। और ये साइड मिरर बॉडी कलर ही है, ये अंदर से ही सेट होगा, अपने हिसाब से आप इसको अंदर से सेट कर सकते हैं। और ये डोर हैंडल बॉडी कलर में ही है। और ये रूफ पे एंटीना है, इससे आप भाइयों FM चला सकते हो। और ये वाइपर। और अगर बैक लुक की बात की जाए तो बड़ा सिंपल सा लुक है और अच्छा है। और ये जो आप टायर लैंप देख रहे हैं ये हेलोजन है, और ये सेम टायर साइज़ है जो आपको दिखाया था अभी। और ये i10 की बेजिंग, इसमें आई निकल गया है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है गाड़ी को इसलिए। और ये डिफोगर, रियर वाइपर और ब्रेक लाइट देख सकते हैं आप। चलिए नीचे चलते हैं। ये स्पोर्ट्स की बेजिंग, और ये 1.2 लीटर की बेजिंग, और ये हुंडई की बेजिंग। हुंडई का लोगो मिल जाता है जिससे ही बूट ओपन होगा। और ये पट्टी देख रहे हैं पूरी ब्लैक वाली, ये भी स्क्रैच के लिए है, इससे थोड़ा गाड़ी में स्क्रैच लगने से बच जाती है बस। और ये पूरा रियर लुक है गाड़ी का। और ये बूट ओपनर है, वैसे किसे भी इसे ओपन कर सकते हैं। 35 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इसमें। और ये बॉडी कलर ही हैंडल है। गाड़ी अभी पूरी स्टॉक कंडीशन में है, देख सकते हो आप, कोई ज़्यादा कुछ करा नहीं है इसमें। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से इंटीरियर कैसा है और क्या कंट्रोल्स हैं। और ये डोर पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स आते हैं चारों। और ये ड्राइवर साइड आपको ऑटो डाउन मिलेगा, और ये लॉक के लिए, ये आप चारों पावर विंडो लॉक कर सकते हैं। और ये लॉक हैंडल, एक बार लॉक करने पर चारों विंडोज़ लॉक हो जाते हैं। और ये ORVM है जो साइड मिरर, ये अंदर से ही एडजस्ट होंगे, मैनुअली एडजस्ट होंगे। और बात करते हैं अगर गाड़ी के स्टेयरिंग की, तो ये आता है इसका स्टेयरिंग। स्टेयरिंग पर कोई कंट्रोल्स नहीं है, ये हॉर्न टिल्ट स्टेयरिंग आता है इसमें जिसे आप एडजस्ट कर सकते हो। और अगर हम बात करें जाए स्टेयरिंग की, तो हुंडई के स्टेयरिंग बड़े लाइट होते हैं और इनके गेयरबॉक्स भी बड़े लाइट होते हैं। और यह इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसमें आपको स्पीडोमीटर, RPM मीटर और कई सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं देखने को, और इंजन टेम्परेचर और फ्यूल टेम्परेचर का मीटर मिल जाता है देखने को। और कुछ ऐसी दिखती है इसके की, सेंट्रल लॉक के साथ आती है ये स्पोर्ट्स मॉडल में, नॉर्मल सी की है दिखने में। और अभी दिखाते हैं आपको गाड़ी चल कितनी चुकी है, ये दिखाते हैं आपको। तो ये गाड़ी आपकी चल चुकी है 1,02,773, ये देख सकते हो आप पूरी रीडिंग। तो 1,00,000 किलोमीटर इस गाड़ी ने कवर कर लिए हैं पूरे। और ये कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम जो ऑक्स FM CD ऑक्स को सपोर्ट करता है। तो ये पार्किंग लाइट दी गई है,
और ऐसा कुछ आता है गाड़ी का गियर बॉक्स जो पूरा गाड़ी के डैशबोर्ड से ही जुड़ा हुआ है। और यह है 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और ये यहाँ पे 12V का चार्जिंग पोर्ट और ये एसी के कंट्रोल्स। प्लास्टिक क्वालिटी में भी अभी तक कोई दिक्कत नहीं है इतने सालों में। और यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस है, यहाँ पे दो कप होल्डर और ये हैंड ब्रेक और थोड़ा यहाँ साइड में स्पेस दिया गया है जहाँ आप फ़ोन वगैरह रख सकते हो अपना। और ये साइड में सीट बेल्ट और ये यहाँ पे आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये साइड में पावर विंडो के कंट्रोल्स आते हैं, चारों पावर विंडो आते हैं इस पर और चारों स्पीकर के साथ। और ये IRVM मैनुअल एडजस्ट होगा। यहाँ आपको लाइट मिल जाती है जो इस टाइम चल नहीं रही है कुछ। और पैसेंजर साइड सन वाइजर पे वैनिटी मिरर मिल जाता है। और ये ड्राइवर साइड की बात करें तो यहाँ भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। ओवरऑल गाड़ी की जो फिट एंड फिनिशिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी है। मैं इस टाइम यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेग स्पेस भी ठीक ठाक है और हेडरूम भी गाड़ी में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। हुंडई पहले से ही थोड़ा अच्छा देती है इंटीरियर। बीज एंड ब्राउन कलर में ये इंटीरियर है मिक्स। और जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी आ रही है देखने में, कोई दिक्कत नहीं है विजिबिलिटी में। और अगर सीट के कंफर्ट की बात की जाए तो सीट कंफर्ट में भी कोई कमी नहीं है, इतनी सही है बिल्कुल। और स्पेस भी ठीक है गाड़ी में हैचबैक के हिसाब से और उस टाइम के हिसाब से भी ठीक है गाड़ी में। चलिए पीछे रियर में दिखाते हैं आपको कितना स्पेस है, क्या कुछ आता है रियर में। और रियर की बात की जाए तो यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स आते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि कितना लेग रूम आता है गाड़ी में। तो हम बैठ चुके हैं तो लेग रूम की बात की जाए तो लेग रूम में भी कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। और अगर स्पेस की बात की जाए तो यहाँ पे दो लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं, तीसरा हम बीच में एक छोटा बच्चा बैठा सकते हैं। और ये गाड़ी के एडजस्टेबल हेडरेस्ट है जहाँ कंपनी आजकल कुछ गाड़ियों में कॉस्ट कटिंग कर देती है इन छोटी छोटी चीज़ों की। और ये पावर विंडो के कंट्रोल्स और ये इसमें चार स्पीकर हैं, चारों डोरों में स्पीकर हैं। और भाइयों कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का इंटीरियर रियर में से, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेस भी ठीक ठाक है रियर में और पीछे कोई भी लाइट नहीं दी गई है पैसेंजर के लिए। चलिए पीछे बूट दिखाते हैं आपको क्या क्या मिलता है उसमें और कितने लीटर में मिलता है बूट स्पेस। यहाँ डोर्स में कोई भी बोतल होल्डर नहीं है। और ये रियर में जो हुंडई का लोगो है यहीं से बूट ओपनर है, आपका बूट खुल जाएगा। और ये यहाँ पे पार्सल ट्रे दी गई है जिस पर थोड़ा बहुत कुछ सामान रख सकते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है ये। और नीचे की ओर बूट में लाइट दी गई है नाइट के लिए, थोड़ा कुछ सामान सामान आपको निकालना हो। और ये इसका बूट 225 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें आपको, जो ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है पर कार के हिसाब से ठीक है। और स्पेयर व्हील मिल जाता है आपको, इसमें कुछ टूल्स रखे गए हैं। और यहाँ पे बूट को बंद करने के लिए भी हैंडल दिया गया है जिससे आप इसको आराम से बंद कर सकते हैं। तो चलिए गाड़ी का इंजन दिखाते हैं आपको बोनेट ओपन करके कि किस तरह का इंजन है, क्या पावर है। तो ऐसा इंजन आता है इसमें 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन है ये, 1.2 कापा जिसकी मैक्स पावर 80 bhp की पावर से देता है ये। और मैक्स टॉर्क की बात की जाए तो 111 nm का टॉर्क ये इंजन निकालता है। कोई भी फालतू का स्पेस नहीं है इंजन के पास, अच्छे से कवर है पूरा इंजन। चलिए सुनाते हैं आपको गाड़ी की साउंड, किस तरह का इंजन साउंड कर रहा है। तो हो गया गाड़ी का इंजन स्टार्ट, अब आवाज़ सुन सकते हैं। हुंडई के इंजन काफ़ी साइलेंट होते हैं पेट्रोल इंजन की अगर बात की जाए, और अगर डीजल की बात की जाए तो डीजल इंजन भी इनके काफ़ी साइलेंट होते हैं। रिफाइनमेंट लेवल इनकी थोड़ा अच्छी होती है, सुन सकते हो आप। और परफॉर्मेंस भी गाड़ी की ठीक ठाक है, 1.2 इंजन है तो आपको पता ही है परफॉर्मेंस ठीक दिया गया है। चलिए गाड़ी के केबिन में चलते हैं और इंजन साउंड सुनते हैं कैसी आती है केबिन में बैठ के।
तो इस टाइम हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कितना साइलेंट इंजन है ये। और तो अब इसमें जो इंजन आते हैं हुंडई के वो काफ़ी साइलेंट है, पर उस टाइम के हिसाब से 10 साल 11 साल के हिसाब से ये इंजन भी कितना साइलेंट है। आप आवाज़ सुन सकते हो, कोई आवाज़ इतनी फालतू की नहीं आ रही है। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग है वो काफ़ी लाइट है, आप एक हाथ से भी इसको आराम से चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही था गाड़ी का एक रिव्यू। तो थोड़ा हम इसको बताते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें इसके बारे में थोड़ा। पहला तो ये इस गाड़ी का कोई भी ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, ये खाली रिव्यू है। इसमें ही मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ गाड़ी के बारे में कि कुछ क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या चीज़ बुरी हैं। मेंटेनेंस में तो गाड़ी कोई ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी मारुति से ज़्यादा हो सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं है। पावर की बात की जाए तो पावर भी ठीक ठाक है, और अगर प्लास्टिक क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बिल्ड क्वालिटी को उस टाइम इतना कोई मैटर नहीं करता था, फिर भी इसकी बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है उस टाइम के हिसाब से, और प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी दी गई है। इतने सालों में अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, पूरी गाड़ी स्टॉक कंडीशन है। इसका जो मैं आपको एक नेगेटिव बताता हूँ, इसका एक ही नेगेटिव है, इसका माइलेज जो जिनके पास रह चुकी है ये, और मैंने कई लोगों से भी सुना है, ये गाड़ी लोकल में आपको 10 11 12 का माइलेज भी देती है, कई लोगों को दिया भी है। और ये चीज़ आपकी ड्राइविंग के ऊपर भी मैटर करती है कि आप गाड़ी को किस तरह चलाते हो। कई लोगों ने इससे 16 17 18 का माइलेज भी निकाला है हाईवे हो तो, वो ड्राइविंग के ऊपर भी बात होती है आपकी। पर ज़्यादा अगर लोगों से मैंने जितना सुना है जिनके पास ये गाड़ी रह चुकी है उनको लोकल में ये 10 11 12 का माइलेज दिया है इसने, तो थोड़ा यही नेगेटिव है, थोड़ा माइलेज में कम है। बाकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, सेकेंड हैंड गाड़ी है। सेकेंड हैंड मार्केट में आपको ये 1.5 लाख से 2 लाख तक ये अच्छी गाड़ी, अच्छी कंडीशन की गाड़ी मिल जाती है, और ये एक फैमिली के लिए काफ़ी अच्छी गाड़ी है ये। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, आगे भी आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। तो अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।